बदायूं के बिलसी तहसील क्षेत्र के गांव बेहटा गुसाई में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोई भी डॉक्टर न होने के कारण लोगों को इलाज कराने के लिए बाहर जाना पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां लंबे समय से किसी भी डॉक्टर की तैनाती नहीं हुई है। इसके लिए उपचार के लिए बिलसी या फिर निजी चिकित्सालय जाना पड़ता है, जिससे गुसाई ग्रामीणों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रदर्शन किया। ग्राम प्रधान पति नवलपुरी ने बताया कि कई बार लिखित में डॉक्टर की तैनाती की मांग की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जबकि जिलाधिकारी महोदय गांव में पहुंचे तो उनसे भी गांव में डॉक्टर की तैनाती की मांग की गई, लेकिन कोई भी डॉक्टर की अभी तक तैनाती नहीं हुई। जबकि बुखार एवं खतरनाक बीमारियां चल रही हैं, बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग द्वारा पीएचसी पर डॉक्टर की तैनाती नहीं की गई। डॉक्टर की समस्या, पूरे मरीज देख नहीं पा रहे, आते ही नहीं देखेंगे क्या मरीज। फिर हॉस्पिटल में कौन आता है? कोई नहीं है, चौकीदार रहते हैं मरीज यहाँ पे। अच्छा, केवल चौकीदार ही रहते हैं? आज तुमने हालत देख ली यहाँ पे, बाकी बताने की जरूरत है ही नहीं। फिर दवा कहाँ से लेते हैं आप? दवाई ले रहे हैं इधर उधर जाकर, और गांव के डॉक्टर बंद हो रहे हैं सब, कहाँ से जाए गरीब आदमी 200 रुपये की फीस दे। डॉक्टर साहब यहाँ इलाज को भी आए मरीज को, किसी को हम ले के आए हैं तो उनके दवाई यहाँ अस्पताल में आना लेंगे, जहाँ पैसे दिए और दवाई हम ले आएंगे तो मैं ला कर दे देंगे। इंजेक्शन है वो लगेगा एक आध, तो वो उसके 20 रुपये जाएंगे। अच्छा, सरकारी अस्पताल में आते हैं आप? हाँ, इसी में। अच्छा, अब 1.5 महीने से दवाई भी टूट गई, तो चौकीदार बोलेगा डॉक्टर आ ही ना रहे हैं, अब तो 1.5 महीने की तुम्हारी छुट्टी है तो हम आ ही ना। जब से